अरे कितना टाइम लगेगा यार। और अरे मैं खिड़की दरवाजे सब चेक कर रही थी एक बार। एक हफ्ते के लिए जा रहे, बस नहीं जा रहे वहाँ। अरे एक हफ्ते के लिए जा रहे तो पूरा घर खुला छोड़ के चले जाऊँ? वैसे भी तुम ना मुझे पहली बार कहीं घुमाने लेके जा रहे हो। बहुत एक्साइटेड हूँ। अब तो सिर्फ तुम, मैं और ये हंसी वाली। अब कौन आएगी? जीजा जी, आप यहाँ इस वक्त? इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? हटो। जीजू, जीजा जी, क्या हो गया? जीजा जी सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है मयंक, तेरी बहन कहाँ कुछ ठीक रहने देती है। और एक बात मैं बता दूँ, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों पे भला कोई घर छोड़ के आता है क्या? बात अगर छोटी होती ना चींटी जितनी, तो मैं भी छोड़ देता। हाथी जितनी बड़ी हो गई है और अब वो सूंड घुमा घुमा के मार रहा है सबको। हाथी चींटी, कुछ ठीक से बताइए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, ढंग से बताइए क्या बात है। मैं आराम से बालकनी में बैठ के शांति से बिना किसी से कुछ बोले अखबार पढ़ रहा था, तेरी दीदी आई और पागल हो गई। बोलने लगी कि पूरी जिंदगी निकले जा रही है और तुम कहीं मुझे घुमाने नहीं लेके जाते। हर संडे मैं गुप्ता चाट पापड़ी वाले के पास लेके जाता हूँ कि नहीं, उसे घुमाना नहीं बोलेंगे। अभी एक महीने पहले तेरी दीदी को वो अपने मम्मी पापा के यहाँ गई, घूमने गई, उसे घूमना नहीं बोलेंगे हैं? ये बात है, इस पे झगड़ा हो गया। बचपन से जानता हूँ दीदी को, दीदी तो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो लग रहा है कोई गलत फहमी हो गई है। मैं यहाँ इसीलिए आया क्योंकि तू उसे बचपन से जानता है। और अपनी दीदी को एक बात समझा देना कि पति से लड़ाई करके किसी का घर नहीं चलता। मयंक जीजा जी, पानी लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, आप पानी पीजिए पहले। बेटा शेफाली, तुमने पानी दे दिया तो ये नसीब हो गया मुझे, वरना सुबह से एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे टाइम कहाँ है? टाइम 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 दूध दूध वाले का टाइम नहीं हुआ ना अभी तक। शाम को होता है दूध वाले का टाइम, तो और दूध तो है नहीं हमारे घर में। हाँ दूध खत्म हो गया जीजा जी, वरना मैं पक्का आपके लिए चाय बनाती। जीजा जी आप घर चलिए, हम मैं और शेफाली दोनों दीदी से बात कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? बात करने से ना सब ठीक हो जाता है। तो करे ना बात, लेकिन उसको टाइम कहाँ है? कभी अपनी सहेलियों से लगी रहेगी, कभी अपने मायके वालों से, 24 घंटे उसका फोन उठा ही रहता है, लेकिन एक भी जरूरत की बात नहीं होगी। मयंक मेरे भाई, तू मेरा साला है, लेकिन आज तक मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझा है, पता है क्यों? अरे मुझे नहीं जानना कुछ भी। तू क्यों जानेगा? क्योंकि तू जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। तू तो हमेशा मेरी साइड ही रहता है ना। अरे मुझसे गलती हो गई महाराज, मैं आपकी साइड लेता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं मयंक, एक बात बताऊं, तेरे जैसा साला अगर दिया लेके ढूंढो ना पूरी दुनिया में तो भी नहीं मिलेगा। गलत तो इसकी बहन है। जी जी सही कह रहे हैं जिया जी आप। अरे क्या जी जी, क्या जी जी, सही तो कह रही है दीदी। जीजा जी हैं आप? अरे जीजा जी है तो क्या हो गया, गलत तो कर रहे हैं ना। क्या बोल रहा है मैं? आपको पता है 24 घंटे वो क्यों फोन पे लगी रहती है? क्योंकि घर पे उसका मन नहीं लगता। देखिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन ये चाट पकौड़ी खिला देना गुप्ता की और गांव देहात घुमा देना, इसे घूमना नहीं कहते। घूमने का मतलब होता है कहीं बाहर जाना और लोगों से मिलना, नए शहर में जाना, नया नया खाना खाना, फोटो खिंचवाना, ये सब होता है घूमना। अपनी मर्जी से नहीं रहती वो घर में, आपकी वजह से रहती है। जब से शादी हुई है एक बारी भी मेरी बहन को कहीं घुमाने लेकर गए हो आप? कभी उससे ये पूछा है कि गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई है चलो कहीं बाहर चलते हैं? नहीं पूछा। लेकिन जब आपकी छुट्टियां पड़ती हैं तो बस आप खाट बिछाते हो, लंबा नारायण होकर आराम से पड़े रहते हो। अरे सरकार तो आपके पैसे भी नहीं काटेगी अगर छुट्टी लोगे तो। फिर क्यों नहीं जाते? एक दिन अगर मेरी बहन ने आपसे ये पूछ लिया कि हम बाहर क्यों नहीं जा रहे, तो मुंह फुला के लड़के आ गए हमारी छुट्टियां खराब करने। अरे पर मैम। क्या पर मैम? बाहर देखा ना आपने, बैग पड़ा हुआ हमारा, 2 महीने से ये ट्रिप प्लान कर रहे थे हम दोनों। लेकिन क्या आप आ गए मुंह उठा के लड़के और बैठ गए सामने? आज के दिन ही आना था आपको। अरे अपनी पत्नी से कभी पूछा है कि क्यों नाराज है वो? अरे यार प्लीज कहीं जाओ, बाहर घूमो फिरो, ये जो दिमाग में भूसा भरा है ना इसे निकाल के आओ। आप पता कैसी बातें कर रहे हो, वो जो बुड्ढे नहीं होते जो घूमने फिरने को फिजूल खर्ची बताते हैं और फिर एंड में खुद डिप्रेशन में आके पूरे खानदान का ना दिमाग खराब करते हैं, वैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बनना है क्या आपको? ऐसा बनना है बताओ, बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या बोलोगे आप, आप क्या बोलोगे? आप फोन दो अपना। क्या? अरे अपना फोन निकालो भाई, आगे मुंह उठा के है? मेरी बहन को गलत बोल रहे। ये लो आपकी और दीदी की ट्रेन की टिकट बुक करा दी है ऋषिकेश की। जाओ भैया थोड़ा दिमाग ठंडा करके आओ, घूम के आओ, प्लीज थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो उसके साथ भी। अपने बारे में कुछ बताओ, उसके बारे में कुछ जानो। मयंक मेरे भाई, मुझे नहीं पता था, जाने अनजाने में मैं क्या कर रहा था। अब यहाँ क्यों बैठे हो, जल्दी जाओ घर, दीदी को सरप्राइज दो, 6 घंटे में ट्रेन है भाई आपकी। हाँ हाँ अच्छा वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे थे घूमने, हमें बताते हम साथ चलते। हम लोग तो कश्मीर, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जा रहे हैं हम लोग तो। कन्याकुमारी जा? हाँ वो क्या है ना कि कन्याकुमारी तो बहुत दूर है ना, आप ऋषिकेश जाओ ना, कन्याकुमारी तो बहुत बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। हाँ हाँ पहली बार के हिसाब से कन्याकुमारी बहुत दूर हो जाएगा। अच्छा वैसे मैंने तुम लोगों को सुबह सुबह परेशान कर दिया, सॉरी। आप तो दोपहर ही हो गई है, चलो हैप्पी जर्नी है। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ हम भी निकल ही रहे हैं, चलिए।
ठीक है, पर क्या जरूरत थी उनको ऋषिकेश की टिकट करके भेजने की? हैं, उनके टिकट नहीं करवाते तो फिर वो नहीं जाते और वो नहीं जाते तो हम नहीं जा पाते। अरे यार अच्छा हुआ ना चले गए, अब तो तुम मैं और हंसी वादिया। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। कितने स्मार्ट हो तुम। मैं बचपन से स्मार्ट हूँ यार। एक जीजू आप फिर से? हाँ फिर से। और मैम टिकट बुक करके ना कोई फायदा हुआ नहीं, मैंने इसकी दीदी को फोन करके बताया कि खुश हो जाओ हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं, तो कहने लगी ऋषिकेश कोई जाने की जगह। अब देख मैम, मैं हूँ मामूली सा क्लर्क, मैं कोई आईएएस आईपीएस तो हूँ नहीं, मेरी जो हैसियत है मैं तो वही काम करूंगा ना, मैं उसे फ्रांस और पेरिस नहीं घुमा सकता। लेकिन मैं तुम लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, तुम लोग वहां जा रहे हो ना कन्याकुमारी घूमने, तुम लोग जाओ, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है कि तुम लोग वहां से लौटोगे तो मैं और इसकी दीदी एक साथ हो सकता है कि हमारा तलाक हो चुका हो, हम दोनों अलग हो चुके हूँ। एक बार तुम लोग यहाँ रुक के इस मामले को सुलझा लो, लेकिन तुम्हें जाना भी जरूरी है, तुम लोग जाओ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक बार रुक के मामले को सुलझा लो भाई, कल को देरी हो गई तो घर उजड़ते टाइम नहीं लगता। मैं जू जीजू यार ये दीदी को भी ना इस उम्र में फ्रांस पेरिस जाना है, बताओ। बाबू वो फ्रांस होता है। अरे तुम मेरी वोकैबुलरी की सुधार रही हो अभी इस वक्त। मैं जरा दीदी से पहले बात करूं, जीजा को तो बाद में दिख लूंगा मैं। हमारी ट्रिप। अरे रुक जाओ यार ट्रिप यार। हेलो दीदी, ट्रिप पे कब जाएंगे?